सो गाइस आज के ये वीडियो थोड़ा सा व्लॉग टाइप होने वाला है क्योंकि इस चैनल का जो एडसेंस पिन होता है वो आ चुका है। एडसेंस से जुड़े काफी सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि एडसेंस पिन क्या होता है, ये क्यों आता है और कब आता है, एक यूट्यूबर के लिए ये जरूरी क्यों होता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन एडसेंस से उठते हैं तो इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बात है 9 अप्रैल 2024 सुबह के 9 बजे के बीच जब मैं किसी काम से बाहर जा रहा था और पोस्टमैन साहब जो मेरे ही गांव के हैं उन्होंने मुझे आवाज लगाई और बोले तुम्हारे नाम से एक लेटर आया है गूगल से। और भाई आप यकीन मानो मैं इतना सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो बोले कि आकर ले जाना। और फिर उसके बाद मुझे सबर नहीं हुआ और मैंने सोचा कि एडसेंस पिन आज ही लेकर आना है। ऐसा नहीं कि इस वीडियो से आप कुछ सीखने नहीं वाले हो, फ्यूचर में आपका भी चैनल मोनेटाइज होगा तो आपको भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना होगा। तो एडसेंस पिन पाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है वो जान लेते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे एडसेंस पिन को लाने के लिए, फिर उसको अपने चैनल पर अप्लाई करेंगे और एडसेंस को वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है एडसेंस पिन पाने के लिए, फर्स्ट ये कि आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए और चैनल पर $10 हो जाने चाहिए और एडसेंस में एड्रेस वेरीफाई होना चाहिए। और ये तीनों कम्प्लीट होने के बाद थोड़ा सा वेट करना होता है, हफ्ते 15 दिन 1 महीने 2 महीने तक। तो ये सभी रिक्वायरमेंट डिजिटल ग्रिज की पूरी हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं एडसेंस पिन को लाने के लिए, उसके बाद हम वेरीफाई भी करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सब कुछ हो जाने के बाद मैं अपनी बाइक की तरफ बढ़ा और चाबी को ऑन किया और यहाँ पर मैं अपने घर से निकलने लगा। घर से निकलने के बाद थोड़ा सा गांव का एरिया पड़ता है, हमें इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर क्रॉस ही कर रहा था। और यहाँ पर थोड़ा सा चलने के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पर हाईवे पर। ये मेरे गांव का नियरेस्ट हाईवे है, मेरा गांव इसी हाईवे के बगल में ही है, मुझे ज़्यादा दूर यहाँ पर से जाना नहीं पड़ता है। मुझे यहाँ से करीब लगभग यहाँ पे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा अपने पोस्ट ऑफिस पर जाने के लिए। और यहाँ पर मेरे गाँव के आगे आने के बाद एक गाँव और मिलता है, तो हमें इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने मेन चौराहे पर। तो आज भाई नेक्स्ट लेवल की खुशी भी थी क्योंकि मेरा एडसेंस पिन आ गया था। और ये सब मैं अकेले नहीं कर पाता क्योंकि वीडियो भी बनाना था, इसलिए मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और उसके हाथ में मोबाइल दिया कि भाई और वीडियो बनाते चलो क्योंकि चैनल पर अपलोड करनी है, चैनल पर भाई लोग को दिखाना भी है कि मैं यहाँ पर कहाँ पर रहता हूँ और यहाँ से किस तरीके से मैं गया, ये सब आप लोगों को दिखाना भी था। और आज ऐसा लग रहा था कि मेरा कैमरा भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी अच्छे ये वीडियो क्लिप्स दिखा रहा है। तो गाइज ये जो बाइक आप देख रहे हो जो मैं यहाँ पर चला रहा हूँ ये अभी मैंने रिसेंटली बाई करी है और इसका शोरूम जस्ट इसी जगह पर है। और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे अपने पोस्ट ऑफिस के पास। और यहाँ पर आने के बाद मैंने अपनी बाइक को पार्क किया और वहाँ पर बढ़ने लगा पोस्ट ऑफिस के अंदर। ये मेरे गांव का मतलब मेरे एरिया का पोस्ट ऑफिस है, सारे एरिया का काम इसी जगह पे होता है। तो मैं यहाँ पर एक सर से मिला जो ये सर हैं, इन्हीं से मैं मिला था, ये हमारे गांव के ही हैं। और ये आप जो देख रहे हो यही मेरा जो एडसेंस पिन है, ये मेरा एडसेंस पिन ही है। और इन्होंने जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन्होंने अपना फॉर्मेलिटीज़ निभाया और मुझसे पूछने लगे कि ये क्या है, तो मैंने इनसे बताया कि ये यूट्यूब की तरफ से आया है। फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए इन्होंने मेरे जो एडसेंस है वो मेरे हाथ में दे दिया है और भाई मेरी खुशी अब नेक्स्ट लेवल है। और इसके बाद मैंने अपनी एडसेंस पिन को अपनी बाइक में रखा और इसके बाद गाड़ी को यू टर्न करा और घर वापस आ गया। तो ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये एडसेंस पिन ही है, इसके अंदर 6 डिजिट का एक एडसेंस पिन होता है। इसे जब तक हम अपने एडसेंस में अप्लाई नहीं करेंगे हम यूट्यूब से एक पैसा भी नहीं कमा सकते। और इसी प्रोसेस में पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, मतलब इसको वेरीफाई करते हैं। तो अब बारी है इसको वेरीफाई करने के लिए, तो फटाफट से इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं क्रोम पर या फिर गूगल पर भी चल सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च करता हूँ एडसेंस, एडसेंस लिख के यहाँ पर सर्च कर देता हूँ तो ये एडसेंस की वेबसाइट पर आ जाएगा। और यहाँ पर मुझे अपनी ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा वेरीफाई का। अगर आप कर रहे हैं मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप करेंगे तो किस तरह करेंगे, वैसे तो मैं कर ही रहा हूँ अपना तो कर ही रहा हूँ। यहाँ पर वेरीफाई पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी वेरीफिकेशन मैंने जो कम्प्लीट कर लिया है, एड्रेस वेरीफिकेशन इसी को बोलते हैं, हमारा एडसेंस पिन होता है इसी को हम एडसेंस वेरीफिकेशन कहते हैं। एडसेंस पिन डालना होगा जो मैंने जो यहाँ पर आया है, तो मैं मेरे जो यहाँ पर एडसेंस पिन है वो यहाँ पर है 71 0 102 1 2 3 4 5 6
तो 6 डिजिट यहाँ पर हो गया है और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस वेरिफिकेशन भी बाय लॉग हो गया और यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी हो गया, एड्रेस वेरिफिकेशन भी हो गया। आप यहाँ पर आपका जो एडसेंस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, सारी फॉर्मेलिटीज यहाँ की एडसेंस पूरी हो चुकी हैं। और काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि इसको आने में कितना टाइम लगा, तो यार मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है पर करीब 1 से 1.5 महीने का टाइम लग गया है इसे मुझ तक पहुंचने में। तो ये वीडियो मेरे अदर वीडियो से काफ़ी हटके है, तो आई होप इस वीडियो को भी आप प्यार देंगे। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।